अलैकुम नाज़रीन, आज हम हैं माहिम वेस्ट के सागरी पुलिस स्टेशन के सामने, जो कि यहाँ से रास्ता जाता है सी फूड कोलीवाड़ा प्लाज़ा की तरफ। सी फूड प्लाज़ा है यहाँ पर कोलीवाड़ा का पूरा एक होटल समझिए या स्ट्रीट फूड समझिए, वो लोगों ने बना के रखा है। रात में ये लोग एकदम मस्त ताज़ी समंदर से मछली, देखिए पूरा समंदर है, मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं। और यहाँ पर शाम में 7:30 बजे से इन लोग का स्टॉल चालू हो जाता है। ये पूरी बचतगढ़ है, ये महिलाओं के लिए लोगों ने पूरा ओपन किया है, लोगों की ट्रस्ट ने। यहाँ पर हर चीज़ आपको फ्रेश मिलेगी। ये देखिए बड़ी बड़ी सुरमई, बांगड़ा, पापलेट, झींगे, जो सी फूड लवर है उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। माहिम में वेस्ट में सागरी पुलिस स्टेशन बोलने का, और उसी के अंदर से ये सी फूड प्लाज़ा आपको मिल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ फ्रेश है एकदम। ताबड़तोब आपने पीस पसंद किया, वो लोगों ने मसाला लगाए और आपको फ्राई करके दे देते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ग्रेवी भी मिलेगी। और ये सब चीज़ें खाने के बाद मोजीटो का मज़ा लेने के लिए मोजीटो स्टॉल भी है। ये देखिए पापलेट माशाल्लाह से कितनी फ्रेश है, हर चीज़ है ये मस्त एकदम। ताबड़तोब आपके सामने फ्राई होता है, यहाँ पर ऑर्डर देना रहता है। ऑर्डर देने के बाद सामने ये देखिए ये मछली के अंडे, यहाँ पर देखिए मांदेली भी फ्राई हो रही है। आपने यहाँ पर सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, जो भी डिसाइड किया आपको मिल जाएगा। और ये देखिए ये सारी लेडीज अपना अपना काम, यहाँ पर एक ग्रुप बना के रखा हुआ है लोगों ने, वो ग्रुप में ये लोग सब काम करते हैं। ये क्या है? सबसे बेस्ट यहाँ पर प्रॉन की चटनी थी, मस्त एकदम। ये पूरी प्रॉन्स बिरयानी है ना? ये देखिए यहाँ पर कैसा होता है, ऑर्डर दे दो और वो लोग सब एक जगह में। ये देखो प्रॉन्स की चटनी है एकदम, यानी चावल के साथ, चावल की रोटी के साथ एक नंबर लगती है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। लॉलीपॉप भी है, नूडल्स भी है, यहाँ पर आप जो भी चीज़ ले लो आपके सामने मस्त फ्राई होगी और बन के मिलेगा। ये देखिए रावस, एक नंबर रावस है। झींगे भी माशाल्लाह से बड़े बड़े। यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा, ट्राई करिएगा, यहाँ की चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर आपके सामने आप जिस तरीके का मसाला बोलेंगे वो लोग लगा के मस्त फ्राई करके रखते हैं। यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई रहती है, जिसका जो जो ऑर्डर रहता है उसमें वो लोग पूरी चीज़ें सजा कर रखते हैं और एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको बनाकर देते जाते हैं। इन्हीं के स्टॉल के पीछे पूरी बैठने की जगह भी है, हर एक का अलग अलग स्टॉल है, अलग अलग जगह। आपने पूरा पहले घूमना है, आपको जो अच्छा लगे, जहाँ अच्छा लगे वहाँ आपने ऑर्डर देना है। और लोगों की बैठने की पूरी ये सीटिंग देखिए, अरेंजमेंट वहीं किया हुआ रहता है, इन लोगों के पीछे ही वहाँ आपने बैठ जाना है। हम भी बैठ गए, हमने ऑर्डर दिया था प्रॉन्स का, माशाल्लाह से रवा वगैरह लगा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था टेस्ट इसका, हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने इसे चावल की रोटी के साथ इंजॉय किया। उसी के साथ साथ हमने मंगाया था एक सुरमई का पीस, वो भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा था, 3 से 4 लोग आराम से इसमें खा सकते हैं। अगर जो ज़्यादा मछली का दीवाना है तो 2 जन आराम से खा ही लेंगे। फिर फ्राइड राइस भी है, वो खा के हम लोगों का पेट एकदम भर गया, हम लोग बाहर निकले। और ये देखिए यहाँ पर खाना खाने के बाद सारे फैमिली मस्त मज़े लेते हैं। यहाँ पर ये स्टॉल भी लगा हुआ था, यहाँ से भी हम लोगों ने थोड़ी चीज़ें खरीदी और घूमते फिरते खाते पीते हमारी वेकेशन की एक और दिन मस्त गुजर गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर वहाँ जाना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।